नमस्कार लीड स्टोरी को आपण मानको स्वागत करूछी मु शुभश्री महापात्र। कोरोना रो द्वितीय लहर रे सबुठारु बरदान पालटिछि वैक्सीनेशन प्रक्रिया, अर्थात विभिन्न राज्य गुडीक जदिओ सेठारे वैक्सीन रो अभाव अनेक समय रे परिलक्षित होइछि एवं समानकर मध्य अनेक समय रे अभिजोग रहिछि, किंतु एते जटिल स्थिति भितरे मध्य वैक्सीनेशन बा टीकाकरण प्रक्रिया रे कोनोसी प्रकार रे मध्य पूर्णच्छेद लागू नाही। जनतन प्रक्रिया रे वैक्सीनेशन प्रक्रिया को आगु को बढाउछन्ती, कारण कोरोना रो द्वितीय वेव रे सबुठारु बड़ अस्त्र बा बरदान पालटिछि वैक्सीनेशन प्रक्रिया बा टीकाकरण अभियान। किंतु यार भितर बड़ खबर आसुची जमीक पूर्व विशेषज्ञ बा वरिष्ठ डाक्तर मैंने गोटे अनुमान लगाते द्वितीय लहर में सबुठू अधिक शिशु मैंने प्रभावित होती, संक्रमण बढ़ुची, जदि तृतीय वेव आग को आसूरी शिशु क्षेत्र में स्थित आहरी संगीन हो दृष्टि रखिकी गोटे बड़ पदक्षेप नि खूब शीघ्र 2 से 18 वर्ष पिला शरीर में कोभाक्सीन टीकार ट्रायल होती। भारत बायोटेक् को मंजूरी मिल सारी, कोभाक्सीन टीका को मंजूरी मिलवा पर अनेक प्रकार आशा उज्जीवित होती। यह बड़ खबर आसुच्छे कोविशील्ड टीकार प्रथम एवं द्वितीय डोज मध्य व्यवधान रहा व्यवधान गोटे 28 दिन था एवं 12 से 18 सप्ताह पर्यंत गोटे ग्याप रहा किटा अप्सन मिलू सुविधा दि जाऊँगी। जो मैंने गर्भवती महिला अच्छा से मैंने सुविधा अनुसार वैक्सीन को चयस करेंगे। या सहित तो जो मैंने स्तनपान करलाक्स किसी क्षेत्र में मिल आहरी अनेक किसी सुविधा रही है। बड़ कथा होते वैक्सीन को लेकिन आम आलोचना करुचे और अस्त्र बेचना करुचे, आसंता का भारत में खूब शीघ्र स्पुटनिक भि वैक्सीन आसवर कार्यक्रम रही। लिस्ट स्टोरी पैकेज रही टीका सबुठ भल आलोचना करवा आज प्रसंग। दर्शक बंधु आलोचना करुचे क्यों टीका सबुठू भल, अर्थात कोविशील्ड टीका आम नौचे, कोभाक्सीन टीका नौचे, या सहित तो स्पुटनिक भी तीनटी टीका भितर समस्त मन में प्रश्न आसुव क्यों टीका सबुठू अधिक प्रभावशाली। लगातार आम आलोचना करवा वरिष्ठ चिकित्सक आम सहित तो जोड़ी हे ए प्रसंग में आपंकर जहाँ सब द्वंद रही दूर करेंगे। कितु जो बड़ खबर को लेकिन आम प्रथम दर्शक बंधु आलोचना करुचे जे खूब शीघ्र शिशु और नाबालक मानक टीका दिज्व, आसतु ये टीका दिज्वर प्रक्रिया कौन रही आप बुझे दूचु। ये देखूँ खूब शीघ्र शिशु और नाबालक को वैक्सीन दिज्व, 2 से 18 वर्ष पिला शरीर में कोभाक्सीन टीकार प्रयोग कर। भारत बायोटेक् कोभाक्सीन टीकार जे उत्पादनकारी संस्था ताकु डीसीसीआई मंजूरी दे सारी, गतकाल एथिपाई सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी अनुमति दे सारी। कोरोना विरोधी लड़ाई रे आउ पादे भारत आग को बढ़ी, गतकाल क्लिनिकल ट्रायल अनुमति देता एससीसी एवं आज यही सुपारिश को ग्रीन सिग्नल सबुज संकेत डीसीजीआई द्वितीय एवं तृतीय क्लिनिकल ट्रायल कर भारत बायोटेक्। ये बड़ खबर 525 जन स्वेच्छासेवी देह परीक्षण अर्थात ट्रायल कर गोटे डोज रु द्वितीय डोज भितर व्यवधान रहा 28 दिन, अर्थात ये आम जो आलोचना करुचे जो टीका को लेकिन जो कोविशील्ड टीका कथा कहे से टीका को लेकिन गोटे बड़ प्रसंग बर्तमान समय सामना को आसूँ। किंतु ये देखूँ कोभाक्सीन टीका को लेकिन बड़ खबर जे शिशु और नाबालक को टीका दिज्व, जो कथा प्रथम आपको दर्शक बंधु कहती जे द्वितीय लहर में सबुठ संगीन हो संक्रामक, कारण जो भाई भाव आप देखुं ट्रिपल म्यूटांट कथा उठू विभिन्न राज्य गुड़िक राज्य को लेकिन म्यूटांट खबर आसुची। म्यूटांट केते मात्रा में संगीन हो पारे एवं लोकंकर जीवन जाउची से बाबद आपने जानी सारी। बड़ कथा होउची यार भितर जितेबले कोभाक्सीन टीका को जरूरीकालीन मंजूरी मिल सारी, गोटे आश्वस्तिकर खबर जे 2 से 18 वर्ष पिला क्षेत्र में वैक्सीन दिज्व, इम्यूनिटी पावर बा रोग प्रतिरोधक शक्ति को वृद्धि करा जिवो। एवं आउ गोटे कथा जे क्लिनिकल ट्रायल पई जेते बेले डीसीजीआई अनुमति दे सारी अनेक प्रकार आशा संचार करा जाउची। विशेषज्ञ माने सब बेले गोटे कथा कहते सेकेंड वेव जी जदि एति संक्रामक रही तृतीय वेव बा तृतीय लहर जदि आसिबो ताले शिशु मानक क्षेत्र में अधिक स्थिति संगीन हो जितेबाला खबर सामना को आसीला अभिभावक मैंने चिंतार पड़ जाइए, कारण पिला क्षेत्र जदि ये समस्या आसो ताले कौन कर जानते टीकाकरण प्रक्रिया वर्तमान विभिन्न राज्य गुड़िकर कि भाव में अस्त्र भाव में काम करुँ। जितेबाला गोटे भल खबर आसूरी पिला ट्रायल कोभाक्सीन मंजूरी मिल सारी जहाँ कहुच्छे पखापाखि 500 रु अर्थात जहाँ कहुच्छे जे स्वेच्छासेवी अच्छा 525 जन भल्युंटर से क्षेत्र में प्रथम टीकार प्रयोग करदि सक्सेस होती छोट शिशु मानक अर्थात 2 से 18 वर्ष शिशु मानक वैक्सीन दिज्व।
जो वैक्सीन को लेकर आम आलोचना करुचे गोटे पर गोटे वैक्सीन भारत को आसे आसतु नजर पकईने रूसी और टीका स्पुटनिक भी उपर जे स्पुटनिक भी काली जिते आस आगामी दिन में प्रभावशाली हे टीकाकरण प्रक्रिया केते मात्रा रे त्वरान्वित हो ये देखंतु काली भारत रे पहुंचिबो स्पुटनिक भी रो द्वितीय दफा पूर्वरु प्रथम दफा आसी सारी एवं भारत रे जारी रहितबा टीकाकरण रो त्वरान्वित प्रक्रिया आगो को अग्रगति करिबो भारत रे मे शेष सुधा 2 लाख टीका पहुंचिबो ए संपर्क रे सूचना देथला स्पुटनिक भी रो उत्पादनकारी संस्था पूर्वरु प्रथम दफार 1 लाख रु अधिक 1,50,000 पर्यंत टीका आसी सारी टीका को लेकिन जिते दर्शक बंधु आम आलोचना करुचे 10 टी स्टेट टीका को ग्लोबल टेंडर करने निष्पत्ति नहीं आपने जानते ओडिशा रे मध्य राज्य कैबिनेट रे गोटे दिन पूर्व निष्पत्ति जे टीका को ग्लोबल टेंडर अर्थात केन्द्र सरकार सहित आलोचना करा टीकारे कौन प्रकार टैक्स बा टिकस वर्तमान समय रहा या सहित विश्वर प्रमुख टीका उत्पादनकारी संस्था सहित चुक्ति करने जाती सरकार से सब टीका ओडिशा को आसीबो केवल ओडिशा नुहे ओडिशा प्रथम निष्पत्ति पर एबे आहुरी 9 टी राज्य ओडिशा को मिसी सेमाने मध्य ग्लोबल टीकार जो टीकाकरण चलती से सामिल होती मध्यप्रदेश कथा उठू यूपी कथा उठू राजस्थान कथा उठू जो द्वितीय वेब अत्यधिक संक्रामक हो क्षेत्र में राज्यगुड़िक निष्पत्ति जे ग्लोबल टेंडर करर्थात एथपाई गोटे वैषयिक कमिटी राज्य सरकार गठन कर सारी आलोचना करुचे स्पुटनिक भी काली आसब पूर्व प्रथम दफार डोज आसी सारी सेकेंड वेब्रे जब सेकेंड रर पर आसूरी दफार आसूरी स्पुटनिक टीका अत्यधिक प्रभावशाली हेब एवं आसत तो आलोचना करवा जे कोविशील्ड टीकार डोज को लेकिन जो व्यवधान आसी केते दिन व्यवधान रोचे ये व्यवधान भितर क्या कौन सुविधा मिल जाए पुणी बढ़ी पारे कोविशील्ड टीकार प्रथम एवं द्वितीय डोज एवं कहुची 12 रु 16 सप्ताह द्वितीय डोज आणिक मिल भितर अवधि जहाँ रही कि लोक चिंतार पड़ जाऊँगी प्रथम डोज्र 16 सप्ताह पर द्वितीय डोज मिल प्रकाश पाई 12 रु 16 सप्ताह व्यवधान में द्वितीय डोज देवाक सुपारिश कर आलोचना करुचे कोविशील्ड टीकार डोज विषय नेशनल इम्युनाइजेशन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप्र सुपारिश पर गोटे निष्पत्ति नहीं सरकार गर्भवती महिला निज इच्छा वैक्सीन बाछापी गोटे ऑप्शन दि जाऊँगी जो मैंने प्रेग्नेंट लेडी अच्छा स्तन्यपान कराता महिला जेकोसी समय टीका नहीं पारे जो मानक इम्युनिटी पावर टी कम रोचे बा शारीरिक अस्थता रोचे से क्षेत्र में टीकापी गोटे ऑप्शन दि जाऊँ जो मैंने कोरोना टीका कोविड अच्छा पॉजिटिव होती आरोग्य लाभ कर सारापर कोविशील्ड टीका नहीं पारे ये वर्तमान समय बड़ खबर टीका को लेकिन आप देखुं कोविशील्ड टीका 12 रु 16 सप्ताह द्वितीय डोज मिलवा को लेकिन आदो व्यवस्था जो भाई भाव में चलती ताकि आदो विचलित होवार कौन प्रकार प्रश्न उठूना कोविशील्ड टीकार प्रथम डोज और द्वितीय डोज मध्य 12 रु 18 सप्ताह पर्यंत गोटे ग्याप रही जो मैंने गर्भवती महिला अच्छा से टीका चूज करने गोटे ऑप्शन दि जाऊँगी जो मैंने स्तन्यपान महिला अच्छा शिशु को स्तन्यपान कराऊँ क्षेत्र में सुविधा दि जाऊक गुड़े सुविधा कोवैक्सीन टीका को लेकिन आम आलोचना कले कोविशील्ड टीका को लेकिन आम आलोचना करुचे और स्पुटनिक भी टीका आसंता काली भारत को आसापी जाऊँगी कोविड्र द्वितीय संक्रामक जो भाई भाव में लहर चली जो संगीन स्थिति वर्तमान समय चली जो वैक्सीन गुड़िक केते प्रभावशाली हो पार विभिन्न उत्पादनकारी संस्था गुड़िक जो ऑप्शन दौरान लोक से क्षेत्र में लोक मैंने केते फायदा पाई आलोचना करने सीधा सड़क आम सहित जोड़ी होती डाक्टर सुनील कुमार कोटा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर कोटा आपको स्वागत कर सर नंदीघोष टीवी को सर ये द्वितीय लहर रे आपण देखुथबे जे सबुठारु गोटे बड़ बरदान बा गोटे आशीर्वाद भाव काम करुछि टीकाकरण बा वैक्सीनेशन काम करुछि आज गोटे बड़ खबर आसुछि सर जे 2 रु 18 वर्ष पिला जो माने टीकाकरण रे शामिल हे नथिले सेमानको क्षेत्र रे क्लिनिकल ट्रायल करा जइबो एवं इथिपै कोवैक्सीन को मंजूरी मिलुछि आपण केमती देखुछन्ती फ्यूचर रे ए शिशु माने एवं नाबालक माने केते फायदा पाई परबे टीकाकरण रे देखो आम बहु सूत्र रु वर्तमान शुणी आसीचे जे मान तृतीय गोटे लहड़ी आसवर संभावना बहुत अधिक रही नाना भाइरस रोग विशेषज्ञ मैंने निज मत रखिंट ता छड़ा कहुची जे जेहेतु वर्तमान समय रे बहु संख्यार आटलिस्ट किसी मात्रा आम देखुचे 18 वर्ष रु ऊर्ध लोके माने वैक्सीन रो सुरक्षा बलय रे ऑलरेडी शामिल हेले तेणु वर्तमान नॉन वैक्सीनेटेड ग्रुप केवल गोटे रही है छोट पिला तेणु आगामी समय निश्चय रूप से मैंने कोरोना प्रकोप आसवर संभावना अधिक रही चिकित्सा क्षेत्र में आलोचना करवा
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟମରୁ ଗୁରୁତର ଧରଣର COVID-19ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଚିକିତ୍ସାର ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି, ଯଥା ଷ୍ଟେରଏଡ୍, ହାଇ ଫ୍ଲୋ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏବଂ କିଛିଟି ବିରଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇମ୍ୟୁନୋଗ୍ଲୋବୁଲିନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ଆମର ରେମଡେସିଭିର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଟୋସିଲିଜୁମାବ, ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି, ଫାଭିପ୍ରାଭିର, ଏହି ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡ୍ରଗ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଆହୁରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଏବଂ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ ବି ଯୋଉ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଆସିଥିଲେ 2 ଦିନ ତଳେ ଆମେରିକାରେ ତଥା କାନାଡାରେ ଫାଇଜର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟି 12ରୁ 15 ବର୍ଷ ବୟସ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମୋଦିତ ହୋଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖେ ଯେ ଫାଇଜର ଅଲରେଡି ନିଜ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର 2ରୁ 11 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାଏଲ୍ଟି ଜାରି ରହିଛି, ସେହି ଟ୍ରାଏଲ୍ଟି ତାର ତଥ୍ୟ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସବମିଟ୍ ହେବ। ଏବଂ ଆମେରିକାର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ରାୟ ହୋପଫୁଲ ରହିଛି ଯେ ନେକ୍ସଟ ସେସନ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଦେଇ ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ରିପୋର୍ଟ ଯାହା କହୁଛି ଯେ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଯଦି ଆମେ ସାର ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଜ ଦେଖିବା ବା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଦେଖିବା, 24% ପିଲା କରୋନାରେ ପଜିଟିଭ ହୋଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ କରୋନାର ଏଇ ଯେଉଁ ଲହର ରହିଛି ବା କରୋନା ଭୂତାଣୁ COVID-19 ଭୂତାଣୁ, ଏ ଛୋଟ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ କୋଭାକ୍ସିନର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର। ପିଲା ଯେତିକି ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ରହିବେ ସାର। ନିଶ୍ଚୟ ମ୍ୟାଡମ, କାହିଁ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲି ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ଆମେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୁଏ, ସମଗ୍ର ପରିବାର କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସମଗ୍ର ସମାଜ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଗୋଟେ ବିଭ୍ରାଟକର ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରସ୍ଥିତିରେ ଆମର ଯୋଉ ଭାରତରେ 2ଟି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି କୋଭାକ୍ସିନ୍, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହେଉଛି କୋଭିସିଲ୍ଡ। କୋଭିସିଲ୍ଡ ଯୋଉଟା କି ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ରେ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନିକା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କୁହାଯାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ 6 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କ ଠାରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟି ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନିକା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପରେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନିକା ଅଥବା କୋଭିସିଲ୍ଡର ଟ୍ରାଏଲ୍ଟି ପ୍ରିମେଚୁରଲି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମାର୍ଚ୍ଚରେ କୋଭାକ୍ସିନ୍ର ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ରହିଛନ୍ତି ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ର କ୍ରିଷ୍ଣା ଏଲ୍ଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଆନାଉନ୍ସ କରିଥିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆମର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଠାରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାବୁଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଲରେଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବା କଥା, ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି ଦେର ହେ ଦୁରୁସ୍ତ ଆମେ କହିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଏହି ଟ୍ରାଏଲ୍କୁ ମାନେ ଆମୋଦନ ମିଳିଛି, ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଫଳ ନେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମଧ୍ୟ। ବିଭିନ୍ନ ଟୀକା ଗୁଡିକର ସେ ସମୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ବଢୁଛି ବା ରିସ୍କ ଟିକେ ଆସିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ 2ରୁ 18 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟୀକାକରଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରାଯିବ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ 525 ଜଣ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଏଠି ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିଲା ପରେ 2ରୁ 18 ବର୍ଷର ଯେଉଁମାନେ ଶିଶୁ ଏବଂ ନାବାଳକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଆମର ଯଦି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେବା, ଫାଇଜର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯୋଉଟା କି ଆମେରିକାରେ ଷ୍ଟଡି ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ପ୍ରାୟତଃ 2600ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଜଏନ୍ ହେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସକୁ କାଲକୁଲେଟ୍ କରାଯାଇ ଆମର କେତିକି ସଂଖ୍ୟାରେ ମାନେ ଯେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ରହିବା କଥା ତାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ 500 ଯୋଉ ନମ୍ବରଟା ଆପଣ କହିଲେ, ସେଇ ନମ୍ବରରେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଆମକୁ ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ଟାକୁ ଫିନିଶ କରିପାରିବା ଏବଂ ଗୋଟେ ଡେଫିନେଟ୍ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଲା ମାନେ ତା ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିପାରିବା। ମୁଁ ତ ହୋପ୍ଫୁଲ୍ ରହୁଛି ଯଦି ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ସେସନ୍ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇକରି ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଇ ପାରିବା। ଆଜ୍ଞା ଡକ୍ଟର କୋଟା, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ନେଇକି ସାର୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାମ କରୁଛି, ପୁରାପୁରି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 10ଟି ଷ୍ଟେଟ୍ର କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି। ଓଡ଼ିଶାର ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇସାରିଥିଲା ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଚୁକ୍ତି କରାଯାଉଛି, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ନାହିଁ, ଇଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି ମଧ୍ୟ ରୁଷୀୟ କମ୍ପାନୀର ଏଇ ଟୀକା ମଧ୍ୟ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ୟାକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ହୋଇପାରିବା କି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ଚେନ୍କୁ ମାତ ଦେଇପାରିବ କି ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି ସାର୍? ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ମ୍ୟାଡମ, କାହିଁକି ନା ଆମର ଏ ଯୋଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟ୍ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦିଓ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯୋଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସଂଖ୍ୟା ଯଦିଓ 18 କୋଟି ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଯୋଉଟା ବହୁତ ଭଲ ଫିଗର କହିବା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଦେଶର ଯୋଉ ଜନସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ତାହାର 70ରୁ 80% ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ସେ ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବିକଶିତ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ନର୍ମାଲ ଲାଇଫକୁ ଫେରିବା। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦେଖିବେ ୟୁକେ
आयरलैंड स्कॉटलैंड रे जीरो डेथ हला, इटली रे सिंगल डिजिट रे डेथ हिची, तेणु सेभली गोटे स्टेज पहुंचिया गले आमको बहु संख्या रे लोक को वैक्सीनेट करया पड़ियो। तेणु जो वर्तमान केवल आम यही दुईटी वैक्सीन उपर निर्भर करूचे, निश्चय रूपे कौटि ना कौटि आम गोटे अभाव रही जाऊ, तेणु ताक आखि आगे रखी जो स्पुटनिक टा वर्तमान आसी पहुंचब निश्चय रूपे तार तथ्य अलरेडी सामना को आसी 90% मानने उपादेय रही। इवन कहुच्छे जे कोविशील्ड पर गोटे बुस्टर शॉट बोली भी व्यवहार करा, छड़ा जो नुआ नुआ अपकमिंग स्ट्रेन भी रही है, ब्रिटेन स्ट्रेन कथा कहतु, साउथ आफ्रिकन, ब्राजिल स्ट्रेन विरुद्ध भी यार कि तथ्य निश्चय रूपे रही। तेणु आम पाखे गोटे अप्सन टे मिल गोटे उपादेय तथा सुरक्षित वैक्सीन जोटा कि आम भारतीय कंपनी डॉक्टर रेड्डी मान प्रोडक्शन टा जेहेतु करिवो, मु भाबु छ हमरो जो गोटे चाहिदा को बहुत मात्रा रे एही वैक्सीन टी मिटै परिवो। आज्ञा सर, एबे टिका आलोचना करबा जे कोविशील्ड टीका रो जहा निष्पत्ति आसुची जे डोज द्वितीय डोज रे टिके गैप सर रहिलानी जे 12 रु 16 सप्ताह पर्यंत डोज दिया जिबो, पुनी बढ़ी पारे कोविशील्ड डोज रो व्यवधान, ए व्यवधान को नेकी लोक माने टिके शंका रही जाउचंती जे हटात काहे कि जेतेबेले वैक्सीनेशन प्रक्रिया चलितला निर्दिष्ट गैप रे से माने 28 दिन रो गैप रे आसी कि वैक्सीन नउतले, एबे पुनी आउतरे किस्टा सप्ताह को जदी इंक्रीज करा जाउचे सेमानको क्षेत्र रे किछि प्रॉब्लम होबनि त बा पुनी थरे से माने द्वंद्व रे पड़ि जेबनि त जे पॉजिटिव हे जिवो कि हमको तारो द्वंद्व सर केमति दूर करिवे? आज्ञा डॉक्टर कोटा सर सुनी पारु छंती मते? आज्ञा आज्ञा हाँ मुझ सुनली हाँ देखो एक्चुअली आज निष्पत्ति परे यही प्रश्न उत्तर पाइबा बहुत इम्पोर्टेंट रही मुझे टिके विस्तृत भाव कह चाहिए। देखो यही कथाटी आपणकर नुआ नुहे, मुझे कही रखा चाहे जितेबाला प्रथम थर कर आस्ट्राजेनिका वैक्सीन र तथ्य डिसेंबर मासरे सामना को आसिला सेथिरे दुईटी डोज 4 सप्ताह अंतराल रे देला परे हमरो 70% उपादेय रहिला, किंतु परवर्ती अवस्था रे हमरो लैंसेट नामक जर्नल रे मार्च रे आउ गोटे स्टडी आसी पब्लिश हला जो थरे कि यूनाइटेड किंगडम, ब्राजिल एवं साउथ अफ्रीका रो पार्टिसिपेंट अंश ग्रहण करथिले, एथिरे कुहा गला जदि आपणकर 4 सप्ताह 6 सप्ताह अंतराल रे जदि दुईटी डोज दिया जाउछि ताहाले उपादेयता रहउछि 56%, जदि एही वैक्सीन रो गैप टा को आमे 12 सप्ताह जदि करूछे ताहाले उपादेयता 81.5% रे पहुँचुछि। एवं ताहा कहा गला जे एही सब ग्रुप एनालिसिस रे प्रथम शॉट नेला परे भी 3 सप्ताह पर जाई 72% उपादेयता रहउछि गोटे कोविड संक्रमण रोकबारे। तेणु आम देखा दरकार बर्तमान यही परिप्रेक्षी में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फेब्रुवारी मास रे गोटे डायरेक्टिव भी जारी करथिले जे दुईटी डोज मध्ये स्पेशली आस्ट्राजेनिका वैक्सीन रो दुईटी डोज मध्ये अंतरालटी 8 रु 12 सप्ताह रहिया कथा। ताहा परवर्ती अवस्था रे जेतेबेले यूनाइटेड किंगडम रे केस संख्या बहुत अधिक बढ़ुला से माने 12 सप्ताह अंतराल रे देले, एवं कनाडा रे विशेष करि 16 सप्ताह अंतराल रे मध्ये ए डोज टी दिया जायछि। आ गोटे छोटो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस कहबी जो कोरियन डेटाबेस जोटि कि 60 वर्ष ऊर्ध वयस्क लोक वैक्सीनेशन दिगला आस्ट्राजेनिकार से प्रथम डोज रन सप्ताह पर प्रायतः 83% उपादेयता रही। तेणु बर्तमान समय आलोचना करें पड़े जेहेतु केस संख्या द्रुतगति से बढ़ुची आम या पाखे दुईटा अप्सन या तो जन को दुईटा डोज दे कि गोटे डोज देकर आहरी अधिक संख्यार लोक वैक्सीन रुरक्षा बल भितर को आने जहाद्वारा कि जो संख्या टाक आम रोकी पार तेणु निश्चय रूपए ये विज्ञान सम्मत मानते सहमत हो गए जो निर्देश माने जो रिसेंट निया जाय छी ता छड़ा गत काली गोटे बीबीसी रे गोटे टीका रा प्रथम आ द्वितीय डोज भितरे जो गैप दिया जाय छी सर सेठी गोटे प्रस्ताव दिया जाय छी जे तीनटी प्रस्ताव को एनयूजीवीए को अनुदान पई पठा जिवो, अर्थात जो तीनटा प्रस्ताव दिया जाय छी ताकु टिके से माने मोहर मारिबा पूर्व तीनटा जिंस ऊपर सर गुरुत्व देबे, जो माने गर्भवती महिला अछंती निज इच्छा रे वैक्सीन से माने बाची परिबे ये होची एक, द्वितीय कथा होची स्तनपान कराउथबा महिला जे कोनसी समय सर वैक्सीन नै परिबे, ये दुई तीन होची जो कोरोना रो आरोग्य लाभ करबा परे 6 मास परे टीका नै परिबे। कोविशील्ड रो जो टीका प्रथम आ द्वितीय डोज भितरे गैप रहिला ए तीनटा प्रमुख जिनिस ऊपर बा पॉइंट ऊपर फोकस दिया जाय छी। निश्चय रूपे देखो प्रथम कथा कह प्रेगनेंसी और गर्भवती महिला देखो ये गोटे एमती गोटे स्टेज जो थे कि दुईट जीवन जड़ित रही उभय माँ और छुआ। वर्तमान सुधा जो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय तरफ जो गाइडलाइन रही कहुच्चे आपणकर गर्भवती महिला तथा स्तन्यपान कर महिला मैंने वैक्सीन नेवा उचित नुहे, यार कारण यह नुह कि वैक्सीन जो से क्षति पहुंच कारण यह रही जो स्टडी बेसीस वैक्सीन टी आमोदित होती कौन गर्भवती तथा स्तन्यपायी महिला स्तनपान कर महिला सामिल नथिले, किंतु परवर्ती अवस्था देखिए अमेरिका जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल रही सीडीसी
মানে এই জানুয়ারি গোটে গাইডলাইন ইস্যু করে যেটি বর্তমান কেস সংখ্যা দ্রুতগতি বড়ি চালছে সেইটি আমার গর্ভবতী মহিলা প্রোটেকশন ভ্যাকসিন দিয়া যাও কারণ ভ্যাকসিন জনিত আমার যে সাইড ইফেক্ট রহব যে রিস্কটা রহব সেটা ভারি থিওরিটিক্যাল এবং রিমোট রিস্ক তা তুলনায় আমি যদি ভ্যাকসিনটা দিয়ে তাকে কোভিড 19 রু বঞ্চাই পারিবা সেটা গোটে বহুত বড় বেনিফিট রহব তেমন বেনিফিট রু রিস্ক রেসিও দেখা যদি নিশ্চয় রূপে ভ্যাকসিন সপক্ষে হি এই রেসিওটা যাচ্ছি তাহা পরবর্তী অবস্থায় কিছুদিন তলে আমার ফেডারেশন অফ অবস্ট্রেটিসিয়ান এবং গাইনোকোলজিক্যাল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া যে ফক্সি কুয়াছে তাহার বি গোটে ডেট মানে গোটে অ্যাডভাইজরি রিলিজ হয়েছিল যে কুয়াছে কি বর্তমান সময়ের আমার উভয়ঙ্ক যে মা এবং ছুয়ার জীবন বহুত মূল্যবান এবং যেহেতু কেস সংখ্যা দ্রুতগতি বড়ি চালছে ভ্যাকসিন নেই করি আমি যদি কোভিড 19 রু উভয়ঙ্কু বঞ্চাই পারিবা তাহা হচ্ছে সবুঠারু বড় কথা তেমন বর্তমান সময়ের আমার যে রিস্কটা বহুত কম রয়েছে বেনিফিটটা তাঠারু বহু অধিক গুণা রয়েছে তেমন গর্ভবতী মহিলা নেই পারিবে সেভাবে থিওরি রয়েছে কিছুটা ক্ষেত্রে কুয়াযাচ্ছে যদি আপনার স্তন্যপান করুথিবা মহিলাঙ্কু যদি ভ্যাকসিন দিয়ন্তি তাহলে অ্যান্টিবডিটি ছুয়াকু যাই ছুয়াকু বি কিছু মাত্রায় প্রোটেক্ট করে পারে যদিও এ স্টডি কিছু নাই কিন্তু এহা দ্বারা ছুয়াকু কিছু ক্ষতি মধ্যে হুয়ে নাই তেমন এই গোটে ডিসিশন নিশ্চয় রূপে স্বাগতযোগ্য সেই প্রসঙ্গক আসছে অনেক লোকক মনে স্যার গোটে বড় প্রশ্ন এটা কমন প্রশ্ন পাখাপাখি তো সমস্ত করোনা পজিটিভ হচ্ছেন প্রত্যেকটি পরিবার কথা দেখুন যে পজিটিভ থাকা সময়ের বা কেতে দিন পরে আমি টিকা নেই পারিব দেখুন একচুয়ালি বর্তমান সুদ্ধা এপর্যন্ত যা আমার গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার গাইডলাইন রয়েছে আপনার ওয়েবসাইট রে দেখিপারন্তি তাহা অনুসারে কুয়াযাচ্ছে যে যদি আপনার এই সময়ের কোভিড 19 রে আক্রান্ত হচ্ছেন তাহলে বর্তমান লক্ষণ টোটালি সমাপ্ত হবার 4-8 সপ্তাহ পরে আপনার ভ্যাকসিনটা গ্রহণ করে পারবে এটা হচ্ছে বর্তমান এক্সিস্টিং গাইডলাইন কিন্তু কিছু জন যে ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্স যে রয়েছে সেমানে এক্সপার্ট অনুসারে এটা আপনার 3 মাস পরে মধ্যে নিয়ে পারন্তি কিন্তু যে 6 মাস যদি আপনার ইনফেকশন হয়েছে 6 মাস পরে ভ্যাকসিনটা নেবে তাহার তথ্য আমাকে সবিশেষ জানিবার আছে কোহু তথ্য আধারিত করে সেই ডিসিশনটা নিয়ে যাইছি কিন্তু যদি আপনার প্রথম ডোজটি গ্রহণ করেছেন তাহা পরবর্তী সময়ের আপনার মানে যদি ইনফেকশনটা হয়েছে ইনফেকশন পরে নিশ্চয় 4-8 সপ্তাহ পরে কিংবা আপনার 12 সপ্তাহ পরে মধ্যে আপনার ভ্যাকসিনটা নিয়ে পারেন কারণ যে ইনফেকশনটা হয়েছে সেইটা বি গোটে আপনার দেহরে গোটে ভ্যাকসিন ভাগ কাম করব কারণ সেই ইনফেকশন পরে বি আপনার দেহরে কিছুটা অ্যান্টিবডি তৈরি হব যে 6 মাস স্পেসিফিক করা যাইছে যে বিলকুল বর্তমান ভ্যাকসিন নেই না কোভিড 19 র 6 মাস পরে নেবে তাহার সাইন্টিফিক ডিটেলস আহ আগামী দিনে আমি জানিপার কিন্তু প্রবাবলি বর্তমান সুদ্ধা তাহার আনসর মো পাখে না আজ্ঞা ডক্টর কোটা বর্তমান সময়ের টিকাকরণ প্রক্রিয়ার সমস্ত সামিল হচ্ছেন এবং বুঝিগলে যে করোনা সংক্রমণের যে চেন রয়েছে তাকে মাত দেওয়া হলে বা ব্রেক লগাই হলে ভ্যাকসিন হচ্ছে প্রমুখ অস্ত্র যা সরকারের গাইডলাইন সমস্ত বর্তমান সময় মানুষ কিন্তু এতে মাত্রায় আমি টিকাকে নিয়ে আলোচনা করুছে অভাব তো রু না যদি অভাব রয়েছে তাকে বিভিন্ন সময় ফেজ ওয়াইজ পূরণ করছেন কেন্দ্র সরকার টিকা কোভ্যাক্সিন কথা কুহতু স্যার কোভিশিল্ড কথা কুহতু বা কালি আসিকি পৌঁছব স্পুটনিক ভির দ্বিতীয় দফার টিকা কোটা স্যার অধিক প্রভাবশালী ইয়ে নিহতি ভাবে টিকি গোটে ক্রিটিকাল প্রশ্ন হয়ে যাব কারণ মু ভ্যাকসিন কু নেকি প্রশ্ন পচারুছি কিন্তু স্যার কোন আপনার উত্তর রহব ইয়ে গোটে কমন প্রশ্ন সমস্ত মনে কারণ কিছুটা রাজ্যের আমি রাজ্যের দেখুছে কিছুটা জেলা ওয়াইজ দেখিবা কোভ্যাকসিন দিয়া যাচ্ছে পুনি কোভিশিল্ড দিয়া যাচ্ছে ভুবনেশ্বরে কেবল কোভ্যাকসিন দিয়া যাচ্ছে তেমন কোটা স্যার বেশি প্রভাবশালী রহব দেখুন একচুয়ালি এটা বহুত ইম্পর্টেন্ট কোশ্চিন সবু লোক মনে বি প্রশ্ন রয়েছে থ্যাঙ্কস এই যে কোশ্চিনটা পচারলে আপনার মু এই ফোরমে কহি রাখা চাহে যে কোভিশিল্ডর 70%, কোভ্যাকসিন্র 80% এবং স্পুটনিক 5 যে 90% উপাদেয়ত নিয়ে যে তথ্য সামনাকু আসিছি এগুলা হচ্ছে তার ডিফরেন্ট ইন্ডিভিজুয়াল স্টাডিজ আমি কোটা ভালো তিনটা ভিতর কোটা ভালো সেতবে হি কইপারিবা যেতবে কি ভ্যাকসিন তিনিটা যাক গোটে হেড অন ট্রায়াল রে পার্টিসিপেট করবে মানে কম্পারিজন ট্রায়াল যাহাকে কুয়াযায় বর্তমান পরিস্থিতিরে যদিও উপাদেয়তা আপনার ম্যাথমেটিকালি অলগা দিশুছি কিন্তু সবু ভ্যাকসিন নিশ্চয় রূপে যে মানে যে সিভিয়ার কোভিড 19 যে ভয়াবহ ধরনের কোভিড 19 রয়েছে কিংবা কোভিড 19 রে মৃত্যুবরণ করা কিংবা ডেথ রেট কু রোকিবার ইকুয়ালি 90-95% নিশ্চয় রূপে মানে সক্ষম রয়েছেন তেমন বর্তমান সময় আমি এটা সিলেকশন করা ওয়াইজ হব না প্রবাবলি আমার পাখে যেতবে বহু অধিক অপশন রহব আমি মানে যেতবে বুস্টার শট নেবা সেতবে আমি এই প্রশ্ন বিষয়ে আলোচনা করে পারিবা কিন্তু বর্তমান সময় যেহেতু সিভিয়ার কোভিড 19 এবং কোভিড জনিত ডেথ রোকিবার তিনোটি যাক ভ্যাকসিন ইকুয়ালি সক্ষম রয়েছেন মু ভাবুছি আমাকে যেটা সহজরে মিলুছি সুলভরে মিলুছি এবং যথাশীঘ্র মিলুছি সেটা আমি নেবা ডক্টর আউ একচুয়ালি সাইন্টিফিক্যালি করে প্রশ্ন রহুছি যে আমি ভ্যাকসিন নেলা পরে মধ্য বা ডোজ গুড়িক দ্বিতীয় ডোজ প্রথম ডোজ এই সব কিছু ফুলফিল কলা পরে মধ্য আমি পজিটিভ র শিকার হউছি বা আমাকে করোনা পজিটিভ রিপোর্ট রে আসুছি
Exactly. Actually, वर्तमान जो आपण पूर्व प्रश्नर उत्तर दउथिलि जे एहार उपादेयता 70 रु 90 शतकडा मध्यरे रहिछि तेणु ताहा अर्थ होउछि थियोरिटिकली तथापि आपणकर वैक्सीन नेला पर भी 10 रु 30 शतकडा अवशिष्ट संभावना रहिछि आपण संक्रमण होइ पारन संक्रमित होइ पारन्ति किंतु तथापि वैक्सीन काहे कि नै जे ना आपणकर निश्चय रूपे 70-90% प्रोटेक्शन रहिला द्वितीय कथा होची जदि भी आपनकर इन्फेक्शन होची इन्फेक्शन जनित सिवियरिटी कोंतु हॉस्पिटलाइजेशन कोंतु डेथ निश्चय रूपे 90-95% कमी होची जोटा कि हमर कोरोना विरुद्ध रे युद्ध रो मुख्य लक्ष्य रहितला हमर मृत्यु बेसिकली रोकिबार अछि तनु आपनको ए जो सिवियरिटी रो रोकिया पय हेले भी निश्चय वैक्सीन नबा पडिबो एवं ए जो 10-30% अवशिष्ट संभावना रो बंची रहे को हेले आपनको सेही जो पुनः आपन जो प्रिकॉशन को आहुरी कड़ाकड़ी रूपे पालन करे पड़े जिथे हमर प्रधानमंत्री बारंबार कहते दवाई भी कड़ाई भी तेणु निश्चय रूपे फॉलो मध्य करिया पड़े आज्ञा डॉक्टर कोटा ये तो वैक्सीन को लेकिन आम आलोचना करूँ जहाँ प्रश्न था जहाँ द्वंद्व था गोटे साधारण लोक मन में आप सार क्लीयर करु वैक्सीन सहित आउ कौन कौन वर्तमान समय आम से सब पदक्षेप गुड़िक ना कथ सतर्क आ सचेतन रहा तो बारंबार गोटे कथ आम सब बुझे आस दर्शक को प्रथम वेब्रेम कहूँ सेकेंड वेब्रेम कौ सर आप कौन कहे कारण स्थित बर्तमान समय संगीन हो जाए गोटे घड़ी मुहूर्त आम समस्त गति करुचे निश्चय रूपे देखंतु जो दवाई भी कड़ाई भी जो कथा कहती से परिप्रेक्षी गोटे छोट कथा जोड़ा चाहिए आपण को कहुची वैक्सीन ग्रहण करती आपण देह एंटीबॉडी विकसित होगा कोविड 19 रो इन्फेक्शन हो पारे किंतु डिजीज माने तार किसी रोग न हो पारे माने आपण देह तथापि भाइरस टी प्रवेश कर लक्षण विहीन अवस्था रहिबार संभावनाटा अच्छी तेणु एभली परिस्थिति रे आपण जदि माने किसी लोक संस्पर्श आसुछन्ति जो मैंने बिल्कुल वैक्सीन ग्रहण करिनाहन्ति ताहले आपण ठारु सेमानंकु माड़ी जीवार संभावनाटा बहुत अधिक रही तेणु जो मास्क पिंधिबाटा आपण निजकु कोविड रु बंचे रखिबा ता छडा आपण चतुर्पार्श्वरे थिबा लोकमानंकु मध्य कोविड रु बंचे पई पिंधियाकु कहजे तेणु डबल मास्किंग वेरी इंपोर्टेंट आजिकल आपने समस्ते शुणुचे प्रथमतः गोटे ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क पिंधतु ताऊपर गोटे कपड़ा मास्क पिंधतु जहाद्वारा संक्रमण संभावना 95% कमिजी आम राज्य तो लॉकडाउन शटडाउन लगी रही है तेणु निश्चय रूपे यू मैंने सीरियसनेस नियंतु एवं जो लॉकडाउन शटडाउन जनित केस संख्या कमी गले मिनिमम 10-15 दिन समय लगे निश्चय रूपे आम सुफल पाइबा सरकार को सहयोग करवा गहली जगह को जीवा ना हाथ बारंबार धोबा अजा लोक सह मैंने जो आप घर बाहर जो मैंने भी आपको भेटे आसय रूपे प्रोटेक्टेड सबुठ इम्पोर्टेंट हम टाइम टू टाइम गवर्नमेंट गाइडलाइन फॉलो करवा किसी जो सोशल मीडिया फॉरवर्ड को देखिक मेडिसिन बिल्कुल उचित ओके सरकार गाइडलाइन रही गाइडलाइन को मानतु जदि किसी निकट में किसी लक्षण प्रकाश पाउछि कोरोना पॉजिटिव को नहीं कि समस्या रही तुरंत डाक्तर परामर्श नियंतु आदु क्षेत्र अवहेला करूँ ना अनेक धन्यवाद डॉक्टर कोटा आम सहित जोड़ी होते वरिष्ठ चिकित्सक तथा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट टीका संपर्क में जहाँ द्वंद्व था लोक तार समाधान करुते गोटे कथा से कहते जे जो कोविशील्ड टीका कथा कहतु कोवैक्सीन टीका कथा कहतु कि आसंता का रुषियों टीका स्पुटनिक भी आसूँ टीका को लेकिन वर्तमान समय जो गणित रही निश्चित भाव से द्वंद्व जो कौ टीका प्रभावशा किंतु कोरोनार जो संक्रमण चेन रही ब्रेक लगे समस्ते टीकाकरण प्रक्रिय निजक सामिल कर समय आसी समय सरी लीड स्टोरी को ये रखुचु नमस्कार।